हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चना मसाला, सब सूखे तरीके से एकदम आसान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो मैं यहाँ 1/2 kg चना ली हूँ, पूरा ओवरनाइट मतलब भिगो के रख दी हूँ, और कुकर में डाल रही हूँ चना। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज चॉप किया हुआ ऑनियन। अब हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, मीडियम साइज है, 2 टमाटर ली हूँ मैं यहाँ। उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद डालेंगे मिक्स मसाला। उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ऑयल, क्योंकि ज़्यादा चना लेता नहीं है, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। उसके बाद अच्छे से उसके मिक्स करना है। बहुत जल्दी, बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बन जाता है, एकदम इजी तरीका है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। हमें इसमें डालना है 1 गिलास पानी। उसे फिर अच्छे से मिक्स करके उसके बाद कुकर को ढक के अच्छे से चूल्हे पे चढ़ा देना है। 3 सीटी लगने तक वेट करना है। अब यहाँ हमारा चना हो गया है, इसे देखना है एक बार खोल के ढक्कन। ये देखो इतना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम मस्त हो गया चना, एकदम से सुपर। अब हम इसे लगाएंगे तड़का। अब हम लगाने वाले हैं चने में तड़का। तो 1 टीस्पून ऑयल लेना है, 1 टीस्पून सरसों डालना है, 1 टीस्पून सौंफ, उसके बाद कड़ी पत्ती 10 से 12 कड़ी पत्ती, उसके बाद 1 टीस्पून इलायची पाउडर, उसके बाद हींग, आपके पास अगर हींग है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, और कड़ी पत्ती भी है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको तड़के में डालना है, चने में डाल देना। अब ये हमारा तड़का जाएगा चने में। ऊपर से डालना है धनिया की पत्ती। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमारा चना रेडी हो गया है। आप मुझे जरूर बताइए कमेंट में हमारी रेसिपी कैसी आपको लगी।